अर्गस अपडेट सह मुनिवेदिता आरंभ करिबा बुलेटिन हेले प्रथमे हेडलाइंस। भयंकर रूप नहीं माड़ी आसुची साइक्लोन यस, आज अवपात रूप नेब लघुचाप, काली बात्यार रूप नहीं 26 से करिपारे ल्यांडफल, बहिपारे घंटा प्रति 160 किलोमीटर बेगरे पवन, बात्या पूर्वर भद्रक बालेश्वर गस्त करिबे एसआप। साइक्लोन पूर्वर पीएम को समीक्षा, दिन 11 बसिबो गुरुत्वपूर्ण बैठक, सामिल हेबे गृहमंत्री अमित शाह, एनडीएमए पावर टेलिकम सह रहिबे विभिन्न विभाग अधिकारी। यस मुकाबला ग्राउंड चिन्ह में जोरदार प्रस्तुति, जनभागीदारी में हेबो बात्यार महामुकाबला, प्रकृतिर तांडव को सामना करने अंटा भिड़िले लोके, एपटे कोस्टल बेल्ट रे हाई अलर्ट। राज्य में 12,852 नुआ आक्रांत चिन्हट, संग्रोधर 7,195 स्थानीय संक्रमण, 5,657 पुणि खोर्धारु सर्वाधिक 1909, कटकु 1,013। देश में 35 दिन पर दिनक 250,000 कम केस, 24 घंटे 2,40,000 पॉजिटिव चिन्हट, पुणि गला 3,741 जनक जीवन, 10 दिन में 30% कमिला आक्रांत संख्या। एवं कोरोना काल में केमिति हेब बाकी परीक्षा, राज्य सचिवों सह केन्द्र शिक्षा मंत्री गुरुत्वपूर्ण बैठक, सीबीएसई द्वादश परीक्षा नहीं होपे चूड़ा निष्पत्ति। रायगढ़ में कोविड परीक्षा केन्द्र को विरोध, टेस्टिंग वृद्धि करने गांधीनगर और इंदिरानगर स्थित विद्यालय में कोविड टेस्टिंग सेंटर खोल जाता, मात्र स्थानीय लोके विरोध करिबारु रायगढ़ महाविद्यालय में परीक्षण केन्द्र खोलगला, मात्र यह केन्द्र को स्थानीय लोके आज घोर विरोध करते, उत्त्यक्त लोके विक्षोभ प्रदर्शन करने कलेज मुख्य गेट्रे ताला पकड़ फरे परीक्षापी आसीबा लोके समस्या पड़ते, तेज घटनास्थल में पुलिस पहुंच लोक बुझासुझा कर। तेज रायगढ़ में कोविड परीक्षा केन्द्र को विरोध, टेस्टिंग वृद्धि करने गांधीनगर और इंदिरानगर स्थित विद्यालय में कोविड टेस्टिंग सेंटर खोल जाता, मात्र स्थानीय लोके विरोध कर रायगढ़ महाविद्यालय परीक्षण केन्द्र खोलगला, तेरे कौन रही पूरा घटना ए बाबद आलोचना करने सीधासख रायगढ़ प्रतिनिधि अजय रथ आम सहित जोड़ी। अजय, जो अभियोग आसुची टीकाकरण केन्द्र टेस्टिंग को बंद कर प्रकृत में वास्तविक लोकों अभियोग कौन, कहीं को बंद कर? हाँ देखु, राज्य में जोबले कोरोना संक्रमण मानने बहुमे व्यापार लगी, से ही अनुपात रायगढ़ जिले में बहुमत व्यापुची, से राज्य सरकार निर्देश क्रमे जिला प्रशासन तरफ मुख्य चिकित्सा जो कोविड परीक्षण होता बंद कर गांधीनगर स्थित विद्यालय और इंदिरानगर विद्यालय से कोविड टेस्ट परीक्षण आरंभ होता, किंतु गत काली गांधीनगर और इंदिरानगर को स्थानीय बासी घोर विरोध फल से जो परीक्षण केन्द्र कर प्रशासन तरफ बंद कर, आज बंद कर रायगढ़ स्वयंशासित महाविद्यालय आज जिते खोलियापी प्रशासन तरफ आरंभ होता कार्यक्रम जो आरंभ होता, किंतु सेठाकर स्थानीय लोक आज घोर विरोध करते निश्चित भाव में जब कह गले बर्तमान मुझे रायगढ़ महाविद्यालय मुख्य फाटक सम्मुखें अच्छे बर्तमान देखु आप लोक मैंने किभली भाव में गहली कर कैमेरा पर्सन को कहि किभली भाव में लोकों विरोध रही जो मुख्य फाटक रही निश्चित भाव में लोक मैंने घोर विरोध कर जगि रही चाहते प्रशासन तरफ जदि कौन प्रकार लिखित प्रतिश्रुति न मिले ताहले आम एठार घुंचबू ना, ये अंचल हूँ जनबसति अंचल लोकंर मानने विभिन्न मात्रा संक्रमण व्यापार आशंका बहु आशंका रही कैमेरा पर्सन को कह कि भाव में गोटे विक्षोभ प्रदर्शन करा जाउछि रायगढ़ कोविड परीक्षा केन्द्र को विरोध करा जाउछि। अजय, जानवा को चाहिए जे लोकों को दाबी वास्तविक कौन, से कौन चाहूंटे जिते बड़े से माने गेट रे ताला पकाई विक्षोभ करुछंती, वर्तमान सुधा प्रशासनिक अधिकारी की आसिले कि सहित आलोचना कले कि बुझासुझा कले कि
हाँ देखु आसुच्च प्रशासनिक अधिकारी आसुच्च फेरी जाम सहित स्थानीय महिला कौन रही पद कह सर जदि कह स्थानीय जो महिला जहाँ प्रतिक्रिया रखुते से माने कोविड परीक्षण केन्द्र को विरोध करना कि जो बर्तमान जो जनबसती अंचल अच्छी से अंचल को विरोध कर अर्थात अजय लोक कहवा कथा जेहेतु जनबसती अंचल रही नित्य लोक जास रही यारि मध्य जदि एठार कोविड रोगी आसुच्च टेस्टिंग कराइबाई तेणु संक्रमण व्यापी पारे सेप पकड़ द्वारा किंवा से पा पीवा द्वारा एवं सेठे गहली जमाइबा द्वारा यह कौटि ना कौटि कोविड को डाक आनी पारे जो लोक जीवन को दृष्टि रखी लोकों स्वास्थ्यगत कथा को दृष्टि रखी से विरोध कोविड सेंटर को कोविड टेस्टिंग सेंटर को अन्यत्र स्थानांतर पर दाबी कर बहुत बहुत धन्यवाद अजय रथ आम रायगढ़ प्रतिनिधि सदासख बाबद आम सहित आलोचना करुले। राज्य में कोरोना कहर बढ़िबारे लागिछि दैनिक मृत्यु संख्या यासह पॉजिटिव को संख्या भी बढ़ुछि। गत 24 घंटा मध्य 28 मुंड नेछि महामारी। प्रतिदिन चिन्हट होउतिबा नुआ आक्रांत संख्या धीरे धीरे वृद्धि पाउछि। 24 घंटा मध्य 12852 कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होइछन्ति। याकु मिसाई राज्य में मोट कोरोना संक्रमित संख्या 692382 रे पहुंचिछि। चिन्हट होइतबा संक्रमितों मध्य 7195 जन क्वारंटीन में रही 5657 जन स्थानीय संक्रमण रही। सेबड़े देश में कमुछे कोरोना आक्रांतों संख्या 35 दिन परे प्रथम थर पर गोटे दिन में 2.5 लाख कम केस सामना को आसी। आज 24 घंटा 2,40,842 नुआ पॉजिटिव रही। पुणि 3,741 जनक जीवन नहीं वायरस। आज तमिलनाडु सर्वाधिक 35,873 पॉजिटिव बाहरी। कर्णाटक 31,000 और केरल 28,514 आक्रांत रही। आश्वस्तिकर खबर हो गत 10 दिन में नुआ केस संख्या 30% कमी। आज केवल 2 राज्य में पॉजिटिव संख्या 30,000 ऊपर रही। खबर आसुचे नयागढ़ नयागढ़ रणपुर में अभावनीय घटना घटी। कोविड रिपोर्ट को नहीं गाँव में उत्तेजना देखाई। मयूरछलिया गाँव में कोविड टेस्ट करा बेले 20 जन को रिपोर्ट पॉजिटिव आसीथिला। तबे ग्रामवासी रणपुर गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र में पुणि थरे टेस्ट करथिले एवं सेठारे रिपोर्ट नेगेटिव आसीथिला। जाकु ने गाँव में उत्तेजना देखाईला। उत्त्यक्त ग्रामवासी कोविड टेस्ट पई आसीथिबा गाड़ी और डाक्तर को अटक रखिथिले। आम गाँव जो कोड़े पजिट बाहर 18 तारीख दिन से 10 नेगेट होता केमी है पजिटा हो रात नेगेट कि यहाँ आम दाबी आ कि दाबी ना आम डाक्तर मानकर केमी ट्रिटमेंट बोले केमी परीक्षा हो राति पजिट सका नेगेट हो। मोर बो मोर झी से पाखे कौन सी लक्षण ना कि टेस्ट कालापर पजिट आम आज से ही स्वास्थ्य विभाग रणपुर ठारे नहीं टेस्ट कलु समस्त नेगेटिव तेल आपते दूर ठीक टेस्ट करें आम जो बर्तमान जो मेंटली अच्छा जो अवस्था अच्छा केमी आम संभाली पार आर तदंत ठीक भाव करूँ नचे तो आम ऊपर अफिसर को जनइबू आम गाँव स्वाभिमान नष्ट आम व्यक्तिगत सम्मान नष्ट जमी मरुझलियावासी कहुई आफेक्टेड कोरोना
ତେଣୁକରି ସେ କେମିତି ତାକୁ ଲିଭାନ୍ତୁ ପୁଣି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୋଲି ମୋର ଜିଲ୍ଲାବାସୀକି ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଟିପିସିଆର୍ରେ ତାଙ୍କର ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଛି 24 ଜଣରୁ 20 ଜଣଙ୍କର, ତ ଆମେ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ସେ ଚେକ୍ଅପ୍ କରିକି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଯାକ ଆସିଥିଲୁ ଆଡ଼ି, କାହାର କିଛି ଲକ୍ଷଣ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କହିଦେଇ ଗଲୁ। କାଲି ଆସିଥିଲୁ ଭିଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆଜି ସେଥିରୁ କିଛି ଲୋକ ଯାଇଛନ୍ତି ରଣପୁରରେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ନେଗେଟିଭ୍ ଆସିଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ କହିବା କଥା କାଲି କାହିଁ ପଜିଟିଭ୍ ହେଲା, ଆଜି କାହିଁ ନେଗେଟିଭ୍ ହେଲା, ତେଣୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ଏଠି କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ତେବେ ଆସିବା ସେଇ ବାତ୍ୟା ଖବରକୁ, ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ୟସ୍। 26 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳରେ ଏହା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିପାରେ, ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଆସୁଛି ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ୟସ୍, ଆଜି ଅବପାତର ରୂପ ନେବ ଲଘୁଚାପ। 24 ତାରିଖରେ ଏହା ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବ ଏବଂ ସେହି ଦିନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ବର୍ଷା। 24 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନରୁ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଭାବ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆସୁଥିବା ବାତ୍ୟା ୟସ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ସମ୍ଭାବନା କ୍ଷୀଣ ଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଏହା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମୁହାଁଇପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ଅନ୍ୟ ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥାମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଏବଂ 26 ତାରିଖ ସକାଳ ବେଳକୁ ଆମର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ଉପକୂଳ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି 26 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏହା ଉପକୂଳକୁ, ଏହି ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଛି ଉପକୂଳକୁ ଏହା ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଆମର କାଲି ମଧ୍ୟ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଖାସ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ଯେତିକି ରହୁଛି, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର ଏବଂ କଟକ, ଯେଉଁ ତା ଛଡ଼ା ଆମର ରହୁଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁଟାକି 25 ତାରିଖରେ, ତାପରେ 26 ତାରିଖରେ ଆମର ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ଲସ୍ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଯେଉଁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ଲି ସିଭିଅର, ମାନେ ସରି ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ଲି ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍ ଯେଉଁଟା କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଟା 20 ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱରରେ। ଆମେ ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି କି ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ କେବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାର ଆମର ରହୁଛି ଯେଉଁ ଇଏ କି ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବପାତ ହୋଇନାହିଁ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଟ୍ରାକ୍ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ ହୁଏନି, କାରଣ ତା'ର ଯେଉଁ କଣ୍ଡିସନିଂ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହୁଛି ସେଟାକୁ ଟ୍ରାକ୍ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ କଲେ ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖୁଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ମଡ଼େଲ ଦେଖୁଥିବେ, ସେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଅବପାତର ରୂପ ନେଇନାହିଁ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରାକ୍ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ, ତେଣୁ ଅବପାତର ଯେତେବେଳେ ରୂପ ନେବ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 26 ରହିଲା ବର୍ଷାର ପରିମାଣ, ପବନ ବେଗ, ସେଇଟା ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ରହୁଛି ଆକଳନ ଯେଉଁ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର 24 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରଠାରୁ ଆମର ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ବାଂଲାଦେଶ ଯେଉଁ ଉପକୂଳ ରହୁଛି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପବନ 40-50 24 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ରହୁଛି ଝଟକା ପବନ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ପାଖାପାଖି 60 କିଲୋମିଟର, ଯେଉଁଟାକି 25 ତାରିଖ ସକାଳୁ ଆହୁରି ପବନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ 50-60 ଗଷ୍ଟିଂ, ଆପଣଙ୍କର ରହିବ 70, ଯେଉଁଟାକି 26 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କ 100-110 ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ପବନ। ଜୁଆର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଯଦି ଅବପାତ ହେଇନି ସେପରି ଆକଳନ କରାଯାଇନି, ଅବପାତ ରୂପ ନେବ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିବରଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ। ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ 23 ତାରିଖ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁମାନେ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଫେରି ଆସିବୁ, ଆମେ 24 ତାରିଖ ଯେଉଁ ରହୁଛି 22 ତାରିଖ ପରଠାରୁ କୌଣସି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ତଥା ଯେଉଁ ବାଂଲାଦେଶ ଉପକୂଳରୁ ଯେଉଁ ରହୁଛି ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବାରଣ କରିବେ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବେଶୀ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ବେଶୀ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ହେବ? ଆମର ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହୁଥିଲି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏଇ ଯେଉଁ 3ଟି ଜିଲ୍ଲା ରହୁଛି ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର, ଏଇଟା ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୁଏ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଏ ସମୟରେ ବାଇକାର ବିମାନକୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିକ ଲୋକଙ୍କୁ ବାରଣ କରିଥିଲେ, ଏଇ ସମୟରେ ସେମିତି କିଛି ସୂଚନା ଦେବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷାର ଆକଳନ ଆମର ଯେଉଁ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା, ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁଟା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେଉଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆମର ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂର ଇମ୍ପାକ୍ଟଟା। ବାର ଘଣ୍ଟା ପରେ ଅବପାତର ରୂପ ନେଇପାରେ ବାତ୍ୟା ୟସ୍, ଆଉ ତାପରେ ହୁଏତ ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଆସିପାରିବ, ଯାହା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ ସୂଚନା ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି, ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ତେବେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଯାହା ସୂଚନା ଆସୁଛି
जे विशेष करी उत्तर ओडिशार उपकूलवर्ती जिलागुडी को यादरा प्रभावित होइबो। पाखापाखी 14 रु ऊर्ध्व जिला प्रभावित होबार आशंका देखा दउछि। आरि मध्यरे भद्रक बालेश्वर मयूरभंज एही तीनोटी जिला उपरे अधिक प्रभाव पड़िबो। कटक पुरी एथारे मध्य पवन रो बेग रहइबो 50 रु 60 किलोमीटर बेगरे पवन बहइबो। तेबे 24 तारीख रु वर्षा आरंभ होइछिबो एवं 25 तारीख पवन रो बेग 50 रु 60 रहइबो। यारि मध्यरे 24 तारीख रे 40 रु 50 किलोमीटर बेगरे पवन बहइबो। या संग को प्रबल मात्रा रे वर्षा हेबो। तेबे 26 तारीख सकाळु पवन रो बेग अधिक पड़िबो एवं 100 रु 110 किलोमीटर बेगरे पवन बहइबो, जहां पाणीपाक विभाग पक्षरु वर्तमान समय रे सूचना आसी पहुंचुछि। तेबे सीधासळख नै चालुछु पारादीप। पारादीपरु आम प्रतिनिधि जोड़ी विश्वजित पराळ। विश्वजित, जहां वर्तमान समय भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विभाग पक्षरु सूचना आसी पहुंचुछि, बात्यार प्रभाव सेतेबेले जणा पड़िबो, गोटे स्पष्ट चित्र आसिबो जेतेबेले अवपात्र रूप नेबो। 12 घंटा भितरे हुए तो स्पष्ट चित्र आसिबो, किंतु जहां पाणीपाग विभाग पक्षरु सूचना आसुछि जे उत्तर ओडिशार उपकूलवर्ती जिलागुडिक प्रभावित हेबो। यारि मध्यरे बालेश्वर आसुछि, भद्रक आसुछि, मयूरभंज आसुछि, पारादीप मध्य प्रभावित होइ पारे। कोण सूचना देबाकु चाहिबे बाबतरे देखंतु निवेदिता, आमे वर्तमान पारादीप्र समुद्र कूलर जो अच्छी बस्ती अंचल सेठी अछु। पारादीप्रे मोट 24 बात्या आश्रयस्थल जगह निरूपण कराई प्रशासन तरफ से जदि किसी बन्या आसे बात्या हुए तबे से बर्तमान आम जो बस्ती रे अछु सेठी अधिकांश प्रशासन तरफ रु केते प्रस्तुति अछि तांको पचारी बुझिबा। केते आपण प्रस्तुत अछंती बात्या को नेकी? बात्या को नेई तो भयभीत रे अछु, एकमात्र करोना पर पर्यंत भय रे छिलु, पुनि बात्या आसु जे जेउ जों समुद्र कुल रहि छु भयते रे अछु। देखिछ हाँ, प्रभावित बहुत प्रभावित होता ये जगह पर तो ही है। प्रशासन तरफ कौन सब रही पदक्षेप बर्तन ये जो आम स्कूल घर है सानिटाइजर कर सब सफा सुतरा रखी रही आसे ये हम रही पार टे साहस पाखे जाती तो आम पूरा संडकुत बस्ती 15,000 भाई लोक अच्छा जेमती आम देखुले जे लोके वर्तमान गोटे पटे महामारी यार मध्य बात्यार खबर जितेबाला आसुच्छी लोके वर्तमान भयभीत तेबे लोके निज तरफ अंटा भिड़िचंती केमती सुखिला स्थान को जिबे केमती स्थानांतर हेबे केमती निज जीवन को बंचाइबे जेहेतु आकलन करा जाउछी विशेष करी उत्तर ओडिशार उपकूलवर्ती जिला यादारा प्रभावित होब। यार मध्य कटक कथा कहतु पुरी कथा कहतु बालेश्वर भद्रक मयूरभंज सब जिला प्रभावित हो पारे, जदिओ बेसी मात्रा रे प्रभावित होब भद्रक एवं बालेश्वर मयूरभंज, किंतु कोठरा कोठी पुरी कटक एसबू जिले पवन रेग 50-60 किलोमीटर मध्य रहा जहाँ पाणीपाग विभाग पक्ष वर्तमान समय सूचना आसुच्छ। बहुत बहुत धन्यवाद जनईबी आम सहित पारादीप सीधासख आम प्रतिनिधि विश्वजित बराल जोड़ी होते हैं लोकों सहित आलोचना करुते बात्या पूर्व भद्रक और बालेश्वर गस्त करेंगे एसआरसी बात्या प्रस्तुति नहीं करेंगे समीक्षा दुई जिला भद्रक और बालेश्वर में विशेष प्रभाव पकईपे तेणु यह पूर्व यह दुई जिला गस्त कर बात्या प्रस्तुति समीक्षा करेंगे एसआरसी प्रदीप जेना अनेपटे बात्या पूर्व जनसाधारण को सतर्क कर एसआरसी ओडिशार समस्त मत्स्यजीवी को सुरक्षित फेर समस्त कृषक मानक अनुरोध करजात द्रव्य को सुरक्षित स्थान को नहीं आसतु तुरंत जल निष्कासन ड्रेनेज सफाई कहुई लोक स्थानातरित बात्या आश्रयस्थल परिचालना और पुनरुद्धार बड़ बड़ एनजीओ मानक सहयोग लोड़ा तेज डाकबाजी जंत्र द्वारा बात्या आसवा पूर्व लोक आश्रयस्थल को चली आसवा कुरंत आसिले मास्क दिजिव और रैपिड रेस्पन्स टीम पठाई स्वास्थ्य परीक्षा करदि कहीं संक्रमित जमापड़े तेरे स्वतंत्र व्यवस्था हो 17 एनडीआरएफ टीम 20 ओड्राफ 150 फायर टीम प्रस्तुत अच्छा आसंका विभिन्न जिला को पठाव बात्या गछ काटा लगी वन विभाग को प्रस्तुत रखाई बोली एसआरसी।
तबे किसी समय पूर्व जमी पापाग विशेषज्ञ जहां सूचना देते जे बात्या विशेषकर उत्तर ओडिशार उपकूलवर्ती जिले में बेसी प्रभाव पक बदल भद्रक बालेश्वर मयूरभंज ना सामनाक आसुची एथार पवन रेग पखापाखि 110 रु 120 किलोमीटर मध्य रारी मध्य जो मैंने रही कच्चा घर रही किभली भाव सुरक्षित स्थान को अणाजी से नहीं व्यवस्था कर एनडीआरएफ और ओड्राफ टीम को सजग रखी से सहयोग लोड़ा जाइए एनजीओ संस्था पक्ष सहयोग लोड़ा जाइए जो एसआरसी आज भद्रक बालेश्वर गस्त करे से स्थिति समीक्षा करे और राज्य सरकार पूरापूरी प्रस्तुत अच्छा तेणु कहारी को भयभीत ना एसआरसी अनुरोध कर आज बात्या पूर्व भद्रक और बालेश्वर गस्त करे एसआरसी किभली भाव बात्या प्रस्तुति चली समीक्षा करे विशेषकर जेहेतु कह बात्या द्वारा भद्रक और बालेश्वर विशेष भाव प्रभावित हो पारती तेणु यह पूर्व यह दुई जिला गस्त कर बात्या प्रस्तुतिर समीक्षा करे प्रदीप जेना एसआरसी अंपटे बात्या पूर्व जनसाधारण को सतर्क कराई एसआरसी ओडार समस्त मत्स्यजीवी को किभली भाव सुरक्षित स्थान को फेर जदि कई फसी रही तेरे तुरंत से आसी जातु समस्त कृषक मानू से अनुरोध करषिजात द्रव्य को सुरक्षित स्थान को नहीं आसतु तुरंत निष्कासन ड्रेनेज सफा कई लोक स्थानातरित बात्या आश्रयस्थल परिचालना और पुनरुद्धार बड़ बड़ एनजीओ मान सहयोग लोड़ा जाइए डाकबाजी जंत्र द्वारा बात्या आसवा पूर्व लोक आश्रयस्थल को चली आसवाई तेरे बाबद आलोचना करने चांदवाली आम प्रतिनिधि भाग्यरथी सेठी फोन लाइन में जोड़ भाग्यरथी जदि कह जहां सूचना आसुची बात्या यस द्वारा विशेष भाव में बालेश्वर भद्रक मयूरभंज प्रभावित हो पारे एवं जदिओ वर्तमान सुधा किसी स्पष्ट सूचना आसुना जितेबाला अवपात रूप नेब से गोटे स्पष्ट सूचना जदि आसीपार कि एसआरसी आज से जब स्थित समीक्षा करेंगे लोके के सजग हेले निश्चित भाव में जो देखते बर्तमान चांदेली ब्लक जो समुद्रकूल अंचल रही है लोक मैंने जो नदीकूल भयभीत अच्छा कितु जहाँ प्रशासन पक्ष से स्थानातर करता हो पारे से कह गए निश्चित प्रशासन विफलता अति प्रकाश पाई जो नदीकूल गाँव मानक आगुरी देखी थे निश्चित भाव में सुपर साइक्लोन समय जो नदीकूल गाँव मानक लोक मैंने लाइन अच्छा समस्त संख्या होते सुपर साइक्लोन जो बात कल रूप आसपाई प्रकार व्यवस्था कर जाए कि नदीकूल जो स्पेसिफिक रही लोक मैंने से स्थानातर करने प्रथम कथा कि स्थानातर कर निश्चित भाव में ओके बहुत बहुत धन्यवाद सीधासख आम सहित चांदबालर आम प्रतिनिधि जोड़ी बाबद आलोचना करुले तेज समय सर बुलेटिन को विदा दिंतु नमस्कार।